कि हमारे घर में क्या चल रहा है। अब कौन सा नया सच के ऊपर से पर्दा उठाने वाली हो तुम? सच से पर्दा हम नहीं उठाएंगे, जमुनिया बुआ उठाएंगे। हम तो सिर्फ सबूत पेश करेंगे। इसी ने तो विशेष के कहने पर सब कुछ किया है। आपकी कहानी में झोल है, जमुनिया बुआ तो विशेष को जानती तक नहीं है, तो वो उसके कहने पे कांड कैसे करेंगी? और ये रहा इस बात का सबूत। सुनिए, आपके पास 500 का छुट्टा होगा। आई हो दादा, हमारे पास होते तो भी ना देते। तुमरी और हमरी को ना पहचान है का? आगे रास्ता ना पो। अच्छा, क्या कहा आपने? आप हमें नहीं पहचानते? नहीं, तुम कोनो फिल्म के हीरो हो का जो हम आपको पहचानेंगे? चलो चलो आगे जाओ। हाँ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। फैसला आप कीजिए। सच तो ये है कि जब आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे और माँ ने रिश्ते से मना कर दिया था, तो वो बात ना ललिता जी को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जमुनिया बुआ का इस्तेमाल किया। भैया, हम विशेष को नहीं जानते और ना ही विशेष ने हमें कोई पैसा दिया है हमारे मिस्टर जी के इलाज के लिए है। ये तो मैडम जी ने हमें बहुत पैसे दिए। वो वर्मा और गुप्ता के साथ मिलके रंजू भाव जी के खिलाफ साजिश करने के लिए। ये लीजिए, ये मैडम को आप अर्जेंट में मिल लीजिएगा। ये लीजिए आपका इनाम। कल आप जाएंगे वहां पे और अचानक से अपना ऑर्डर बढ़ा देंगे। ये ऑर्डर आज के ऑर्डर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पर इतना सारा मशीन कहाँ से लेके आएंगे हम? इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्टर से एडवांस लेकर आए। हाँ, हमारी तरफ से हाँ ही है। जमुनिया, क्या है? कि रंजू के घर से कोई सेंटर के लिए निकला तो नहीं है ना? यहाँ सब पत्ती भूल है और सब चादर तान के सो गए लगते हैं। काम हो गया मैडम, कुछ ही देर में प्रगति सिलाई सेंटर चलकर राख हो जाएगा। ये लीजिए आपके मकान का किराया और मरम्मत के पैसे। लेकिन रंजू की मुसीबत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब तक आपको नए किराएदार नहीं मिल जाते, हर महीने आपकी दुकान और मकान का किराया आपको डबल मिलता रहेगा। भैया, हम गरीब थे, मजबूर थे, लाचार थे, हम पैसे की लालच में आ गए भैया।